नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, 17 अगस्त को आईएमए की देशव्यापी हड़ताल, बढ़ेगी मरीजों की परेशानी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर मामले में पूरा देश गमगीन और गुस्से में है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना के विरोध में 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान मरीजों को जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी। आईएमए ने एक बयान में कहा है कि शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी बंद रहेंगे। डॉक्टरों के संगठन ने एक बयान में कहा कि 9 अगस्त 2024 को तड़के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। इस घटना से डॉक्टरों में काफ़ी रोष है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी किए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरती और पहले दिन के बाद से ही पुलिस जांच ठप पड़ी हुई है। फोरडा की जारी रहेगी हड़ताल। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोरडा ने कोलकाता घटना को लेकर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों पर हमलों को रोकने के लिए कानून लाने सहित उनकी मांगों को पूरा करने का मौके का आश्वासन दिया था, जिसके बाद संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। लेकिन डॉक्टरों ने इसकी कड़ी आलोचना की, जिसके चलते फोरडा ने फिर विरोध जताने का फैसला किया। फोरडा ने फिर प्रदर्शन करने का ऐलान ऐसे समय में किया जब रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरडीए ने बुधवार को आरोप लगाया था कि फेडरेशन ने उनसे सलाह लिए बिना ही हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। साथ ही आरडीए ने फोरडा पर डॉक्टर बिरादरी की पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।